जय श्री राम। राम राम। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं एसटीटी विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से, चयन प्रक्रिया से। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में, इतना ही काम है BSEB का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। क्योंकि आप लोग नीचे देख सकते हैं, संक्षेप में बोर्ड का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। इससे आप लोग समझ सकते हैं, इससे स्पष्ट होता है, ये जजमेंट आप लोग देख चुके होंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में लिस्ट जारी करना, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं 75 और 67.5 लाए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में। अर्थात मानकर चलते हैं किसी सब्जेक्ट में कोई 110 पर टॉप पर है, तो 110, 109, 108 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है इतना ही। और आगे आप लोग देख सकते हैं, बाकी काम आप लोग यहां भी देख सकते हैं। शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर, तो इसके लिए तो आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा छठे चरण के बाद। वैकेंसी जो रिक्तियां हैं ये सभी जानते हैं, फ्रेश रोस्टर होगा और वैकेंसी रिकैलकुलेट होगा रिक्ति, तो आप लोग जानते हैं इन सभी बातों पर निर्भर करता है। और विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है, ये सभी बातें आप लोग जानते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली की भी बात, तो ठीक है, ये सभी आगे की प्रक्रिया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को रिक्तियों से कोई मतलब है नहीं, इतना समझ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है विज्ञापन के अनुसार सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में लिस्ट जारी करना, इतना ही काम है। इसे आप लोग पात्रता का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की तरह मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे न्यूज को भी पढ़ लेते हैं, ये सभी न्यूज आप लोग देखे होंगे। जो मेरिट लिस्ट निकाला गया, जो मेरिट लिस्ट निकाला गया वह पात्रता की मेरिट लिस्ट थी, नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं थी। अभ्यर्थी किसी बहकावे में न आएं, किसी दूसरे कारण कोई विवाद पैदा ना करें। नियोजन इकाई बार मेधा सूची बनाई जाएगी, तब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, सातवें चयन की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब आगे न्यूज देख लेते हैं, मेरिट लिस्ट वाले को अंदाजा रहेगा टॉपर है, पात्रता का मेरिट लिस्ट बरकरार रहेगा, सभी परीक्षा में टॉपर की सूची बनाई जाती है। जी बिल्कुल, सभी परीक्षा में टॉपर की सूची बनाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं कुछ नोट को, तो नोट में दिया गया है सभी परीक्षा में उत्तीर्ण के साथ साथ टॉपर की भी सूची जारी होती है। तो ये सभी बातें हैं कि सभी परीक्षा में टॉपर की भी सूची जारी होती है, ये सभी बातें आप लोग जानते हैं। पात्रता का मेरिट लिस्ट भी यही है, टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, ये सभी बातें आप लोग न्यूज में देख चुके होंगे बहुत दिन पहले भी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी बातें आप लोग न्यूज के माध्यम से भी देख चुके होंगे। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में आप लोग जानते हैं, और आप लोग यह भी जानते हैं कि बिहार विधानसभा में भी यह बातें स्पष्ट की गई थी क्वेश्चन आंसर में, तो ये सभी बातें आप लोग जानते हैं। इस पात्रता परीक्षा में
टॉपर की सूची कैसे बनाएंगे, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सातवें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी बातें न्यूज के माध्यम से स्पष्ट कर दी गई हैं। अब आगे देख लेते हैं इस पात्रता परीक्षा में टॉपर की सूची कैसे बना है। सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज विज्ञापन में दी गई रिक्तियों को आधार मानकर ऐसे बनाया गया है टॉपर की सूची, जैसे कि आप लोग न्यूज में देखे होंगे। जबकि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। ये सभी बातें आप लोग जान चुके हैं तो समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरह ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी, जैसा कि सभी टीटी एसटीटी में देखने को मिलता है, उसी तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह से सर्टिफिकेट निर्गत हो क्वालिफाइड के रूप में। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है 3 महीने के बाद बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि 3 महीना के बाद बड़ा बदलाव, और वो भी एसटीटी टीटी के अनुसार, आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइड के रूप में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। छठे चरण के बाद सातवें चरण के लिए फ्रेश रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट पर निर्भर करता है। ये सभी बातें आप लोग जान चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप इस तरह से भी अनुमान लगा सकते हैं, विज्ञापन में यह बताया गया है शिक्षा विभाग बिहार पटना से सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स उपलब्ध कराए जाने के बाद ऐसा दिया गया था। तो अर्थात नोटिफिकेशन जारी होगा और जो सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेश रोस्टर या रिक्तियों के रिकैलकुलेट के बाद, इसका मतलब सातवें चरण में नियुक्ति का मेरिट लिस्ट बनेगा सातवें चरण या आगे के चरण जैसे जैसे होता जाएगा, और सभी अप्लाई कर सकते हैं सातवें चरण या आगे के चरण के लिए। जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, और आप लोग ये जानते हैं कि क्वालिफाइड जो है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराना संभव ही नहीं था, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं, इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात करना नहीं है। तो आप लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।